आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका तबला बॉय आज फिर से हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो लेके, एक न्यू लेसन लेके, एक न्यू बोल लेके आपके लिए, जो डे बाय डे आपको तबले के अंदर इम्प्रूव करता है और आपके तबले की स्किल्स के अंदर डेवलपमेंट लाता है। सो जैसे कि मेरे दोस्तों आप सभी को याद होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में एक अपना कायदे तीन ताल, दूसरे हमने दो कायदे किए हैं, तो हमने दूसरे कायदे का दो पलटे किए थे। तो वो हमारा कायदा कंप्लीट होता है उतने ही पलटे हैं, और अब हम अपना नया बोल स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं होप करता हूँ आपने उस कायदे की खूब मेहनत करके प्रैक्टिस की होगी और उस बोल को लिखा होगा। और अब हम करने जा रहे हैं तीन ताल 16 बीट्स टुकड़ा, 16 मात्रा का टुकड़ा। आप भी सोच रहे होंगे टुकड़ा क्या चीज़ है, तो आप समझ लीजिए कि ये कायदों पलटों में से निकल के टुकड़ा बनता है। तो इसको टुकड़े की तरह हम प्ले करते हैं, कहीं पर अगर जैसे हमें कहीं पर बजाना पड़ जाए तो इसको टुकड़ा बोलते हैं, नो इसको कायदा या पलटा कुछ नहीं बोलते, पर ये बोल उनमें से ही होता है। सो आज हम वही स्टार्ट करेंगे। मैं एक बारी बोल बता देता हूँ और मैं होप करता हूँ कि मैंने जितने भी आपको बोल दिए हैं आप उनको नोट करते होंगे और रिकॉर्ड्स में रखते होंगे कि फ्यूचर में आपको हेल्प मिले उससे। तो आज हम टुकड़ा स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं टुकड़े के बोल बता देता हूँ। दा धा धिन धिन, आपने धिन धिन को कॉपी में दू दू लिखना है, द और नीचे ऊ की मात्रा। धा धा दू दू, ना ना तिट तिट। मैं फिर से फर्स्ट लाइन बोल देता हूँ, मैं फर्स्ट एक एक लाइन करके बोलता हूँ कि आपको लिखने में कोई दिक्कत और या परेशानी ना आए। धा धा दू दू, द द से दीवार का वो वाला लिखना है और नीचे ऊ की मात्रा। दो टू टाइम्स हमने दू दू, धा धा दू दू, ना ना तिट तिट, फर्स्ट लाइन है। सेकंड लाइन क तिट क तिट, क क से कबूतर वाला और तिट, हमने इसको एक शब्द में लिखना है। क तिट क तिट, टू टाइम्स क तिट, फिर कत धा कत धा, ये एक पूरा शब्द है, इसको हमने थ्री टाइम्स बजाना है। कत धा कत धा कत धा। मैं आपको सेकंड लाइन बता देता हूँ, आप लाइन वाइज लिखिएगा। फर्स्ट लाइन, मैं फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करता हूँ। धा धा दू दू, ना ना तिट तिट। सेकंड लाइन क तिट क तिट, कत धा कत धा कत धा। अब हमारी थर्ड लाइन तिट तिट, फिर कत धा कत धा कत धा। फोर्थ लाइन तिट तिट कत धा कत धा कत धा। और हमने ये पूरे टुकड़े को थ्री टाइम्स प्ले करना है, जहां पर भी प्ले करना है पूरे टुकड़े को। मैं एक बारी फिर से पूरे बोल बोल देता हूँ। धा धा दू दू, ना ना तिट तिट, क तिट क तिट, कत धा कत धा कत धा, तिट तिट कत धा कत धा कत धा, तिट तिट कत धा कत धा कत धा। आप ऐसे पूरा एरो डाल के थ्री टाइम्स लिख लीजिएगा कि हमने इसको पूरा थ्री टाइम्स प्ले करना है। तो अब हम ये बोल को बजाना सीखते हैं। फर्स्ट लाइन धा 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 धा, जैसे कि आप स्टार्टिंग से प्ले करते हैं धा धा सेम वैसे ही बजेगा। धा धा, फिर दू दू, दू दू कैसे बजेगा, आपने ये पूरा ऐसे लेना है ऐसे, और जो ये वाली चीज है ना, ये कोने पे आनी चाहिए, ये जो है ना ये वाला कोना यहां पर ऐसे आनी चाहिए, ठीक है। ये कोने पे ऐसे मानिए आपने, ऐसा है एको वाली साउंड आए, हमने ये चारों फिंगर ऐसे मारनी है और यहां तक कि हमारा ये कॉर्नर तक रहे तभी ये ऐसे आ जाएगी, अगर ये ऐसे मारूंगा तो ये ऐसे आ जाएगी। तो हमने यहां तक ही यहां पर प्ले करना है ऐसे, ये हमारा दू दू, अगर हमने इसको टू टाइम्स प्ले करना है दू दू धा धा दू 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 दू। मैं फिर से बता देता हूँ, ये थोड़ा मुश्किल सा एक कॉम्प्लिकेटेड है बोल, पर आपको समझ आ जाएगा। इसको हमने यहां तक ही रखना है, ये हमारा जो पूरा किनार का एंड है हमने ये लाइन पे ही रखना है और चारों फिंगर को जोड़ के हमने इसे ऐसे बाउंस करके मारना है। तो धा धा दू दू, धा धा दू दू, फिर न
ना 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 ना, फिर टिट 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 सेंटर में आएगा, आगे पीछे नहीं। फर्स्ट लाइन में प्ले करके बता देता हूँ, धा धा दू दू ना ना टिट टिट। सेकंड लाइन का टिट, अब का टिट कैसे बजेगा, क जो गेगे नाना केके नाना में हमने क के किया था ना, वही सेम क है, क टिट। हमने बस क और टिट को इकट्ठे बजाना है एक बार, ये हमारा जैसे एक बोल एक शब्द बन गया बोल का, क टिट क टिट। हमने इसको टू टाइम्स प्ले करना है। और क टिट मैं फिर से बजा देता हूँ, जो गेगे नाना केके वाला हमारा क था उसको ही हमने क लेना है, और टिट क टिट क टिट। फिर कत धा, अब कत धा कैसे बजेगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इजी हो जाएगा आपके लिए। क हमारा सेम है क, अब हमारे जो त है वो हमने यहां लेना है, ये वाली जगह ऐसे थ्री फिंगर से ऐसे, कत धा क त त, ऐसे आएगा यहां पर। आप स्लो करके देखिएगा वीडियो पे, आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगी। कत धा क त धा, क बजा के फिर त त हमारा ऐसे आएगा, और धा हमारा सेम एज इट इज, फिर अपनी पोजीशन पे आके धा ले लेंगे, कत धा क त धा। इसको हमने थ्री टाइम्स प्ले करना है सेकंड लाइन में, मैं पूरी सेकंड लाइन बजा के दिखा देता हूँ। क टिट क टिट क त धा क त धा क त धा। अब मैं बिना बोले एक बार सेकंड लाइन बजा देता हूँ, आपको बोलना सुनाई पड़े ऐसा हो सकता है तो। मैं होप करता हूँ आपको सेकंड लाइन क्लियर हुई होगी। अब हम थर्ड लाइन पे चलते हैं, हमारी सेकंड लाइन कंप्लीट होती है। अब थर्ड लाइन है तिट तिट कत धा कत धा कत धा, तिट तिट हमारा सेम सेंटर ऑफ द स्याही में, तिट तिट कत धा इसको थ्री टाइम्स प्ले करना है, कत धा कत धा कत धा। मैं थर्ड लाइन फिर से बजा देता हूँ, अब हमारी फिर से यही जैसे ये हमने थर्ड लाइन बजाई है ना वैसी हमारी फोर्थ लाइन सेम एज इट इज बजेगी, टिट टिट कत धा कत धा कत धा। ये हमारा पूरा टुकड़ा कंप्लीट हो गया है, और मैं होप करता हूँ आपको समझ आया होगा। और अब हम चलते हैं इसको लय में, भिन्न लय में कैसे बजाएं। तो अब हम विलंबित लय देखते हैं, मैं बजाना स्टार्ट करता हूँ विलंबित लय। मध्य लय, दुगुन, समझाई है बट आपको ये पूरा टुकड़ा थ्री टाइम्स प्ले करना है जब आप किसी के सामने ये बोल पेश करेंगे। मैं आपको तिगुन के अंदर ये पूरा टुकड़ा थ्री टाइम्स बजा के भी दिखा देता हूं कैसे बजेगा। वन टू थ्री स्टार्ट,
थ्री टाइम्स ऐसे प्ले होगा। सो मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करें कि आपको मेरी हर न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। और अगर आप वीडियो पे न्यू हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि आपके भाई बंधु सेम ऐसे सीख पाएं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दिखाइए कमेंट्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।